नमस्ते, मेरा नाम नीरज कुमार है। आज मैं आपके लिए एक बहुत मनोरंजक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है गोभी का सबसे प्यारा मित्र। ये कहानी आपके समक्ष प्रथम बुक्स के सौजन्य से प्रेषित की जा रही है। चलिए सुनते हैं कहानी गोभी का सबसे प्यारा मित्र। गोभी और खटपट नीले समुद्र की गहराइयों में रहते थे। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे और पक्के दोस्त थे, लेकिन देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। गोभी 7 पंखों वाली मछली है, जिसके पैर एक भी नहीं पर आंखें बड़ी तेज है। खटपट एक पिस्टल श्रिम्प यानी एक किस्म की झींगा, जिसके बड़े बड़े हाथ जैसे चिमटे हर समय कुछ ना कुछ टटोलते और खटर पटर करते रहते, लेकिन उसे आंखों से दिखाई ठीक से नहीं देता। किटकिट किटकिट खटर पटर, अरे हे हरला गुल्ला। खटपट के चिमटों की आवाज सुनकर गहरे सागर के तमाम जीव डरकर भाग जाते। खटपट की आंखें कमजोर हैं, जिससे वह अक्सर गहरे समुद्र के अंधेरे में खो जाता है। किटकिट किटकिट खटर पटर, अरे रे हल्ला गुल्ला। मत कर चिंता, उसकी सबसे प्यारी सखी गोभी उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए हमेशा आसपास रहती। छोटी सी खोखली जगह में खटपट का घर होता है, गोभी भी उसी में रहती है। जब कभी उनके घरौंदे में रेत आ जाती है तो वह अपने चिमटों से हटा देता है। उसका घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। एक दिन गोभी अकेले ही तैरते हुए दूर तक निकल गई। उफ, अब घर जाकर कटर पटर से राहत मिली, वह बोली। क्या ऐसे खटपट खटपट करते रहने वाले के साथ रहना जरूरी है, वह सोचने लगी। अचानक ही गोभी को दो बड़ी बड़ी चमकती आंखें नजर आई। उसके सामने थी एक काफी बड़ी सी बास यानी खजूरा मछली। मजेदार गोभी, मछली का जायका लेने का अच्छा मौका है, यह कहते हुए खजूरा मछली गोभी की ओर बढ़ी। गोभी ने आंखें बंद कर ली और डर के मारे कांपने लगी। किटकिट किटकिट खटर पटर, अरे रे हल्ला गुल्ला। उफ, ऐसा शोर खजूरा के मुंह से निकला। यह शोर खटपट ने मचाया था, जो गोभी के पीछे पीछे खुद भी वहीं चला आया था। किटकिट किटकिट खटर पटर, हाय इतना हल्ला गुल्ला। खजूरा मछली इस शोर से परेशान होकर तेजी से दूर चली गई। ओह, गोभी ने खटपट को सीने से लगा लिया। उसका सबसे अच्छा मित्र न होता तो क्या होता। उलझन सुलझाओ, दोस्तों के जोड़े बनाओ। इन मिलीजुली तस्वीरों में से दोस्तों को पहचान कर उनके जोड़े बनाओ। गोभी मछली और पिस्टल श्रिम्प महासागरों के सबसे अच्छे दोस्तों की जोड़ी के रूप में मशहूर है। क्या आप इन पशु पक्षियों में से चुन चुनकर ऐसे जीवों के जोड़े बना सकते हैं जो एक दूसरे के दोस्त हों?